Super 30 is really superb movie, just amazing. This movie is dedicated to all teachers who had met the brilliant students. Yeah. Perfectly, लग नहीं रहे कि रितिक है वहाँ पे. Perfectly आनंद कुमार देखे नहीं last year जो उनका expert कर गए. तो परफेक्टली आप जस्ट अमेजिंग एक्टिंग है. सब पता नहीं चल रहा है कि वह ऋतिक खड़े हैं सामने. जस्ट अमेजिंग. सॉरी हाँ बहुत अच्छी केमिस्ट्री है. जो केमिस्ट्री ज़्यादा इसमें ऋतिक और जो मैथमेटिक्स की होती है. ऑनेस्टली बोलूँ मेरे को मुझे मैथमेटिक्स नहीं आता. मैं बहुत पैदल हूँ मैथमेटिक्स से. सो ऑनेस्टली सबसे ज़्यादा तो केमिस्ट्री इसमें मैथमेटिक्स और ऋतिक की दिख रहे हैं. 5 out of 5. I really like the movie. I really liked Hrithik's acting. He has really outdone what he has done. So superb acting, and I love the movie. I think it's a little lengthy towards the end. So story seemed to be a little up and down in terms of realistic way. But yes, truly loved it. It's inspiring. It's definitely inspiring. It's not like you can't relate to it. It's pretty relatable. And Hrithik has really outdone his work. His acting, and also at the same time his Bihari accent is really relatable to Amitabh Bachchan's accent. If you hear him, you feel like Amitabh Bachchan is delivering the dialogue. So very nice. Mrunal's acting, I was like, it's okay for me. It really didn't appeal me, but yes, Hrithik again. Nice. I'll give it 3.5. बहुत प्यारी पिक्चर बनाई है. स्टूडेंट्स के लिए बहुत टाइम के बाद एक प्यारी पिक्चर बनी है. सो आज मैं चाहूँगा कि हर स्टूडेंट जाके देखे. माँ बाप हैं, बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, दे शुड टेक देयर चिल्ड्रन को. इंस्पायरिंग द डायरेक्टर डन ए गुड जॉब एक्चुअली. एंड ऋतिक हैज एक्टेड सो क्लास. मतलब बहुत अच्छी है. इस डन बहुत प्यारी पिक्चर. पिक्चर की स्टोरी इतनी दमदार है, डायरेक्शन इतना अच्छा है. मीन्स इमोशंस, फुल ऑफ इमोशंस ऑल्सो पिक्चर. सॉन्ग तो दो ही गाने हैं लेकिन मैं सॉन्ग्स पे ध्यान नहीं जाता. अच्छा है. 7, आई गिव 7 स्टार्स. ऋतिक वाज ऑल मतलब हमेशा अमेजिंग. जी गाने देखिए, फिल्म इतनी अच्छी थी कि ना गाने कहीं ना कहीं दब जाते हैं, तो वो चीज़ है. बाकी ऑल ओवर वेरी गुड, वेरी गुड. सॉरी आई गेस 4. बहुत बढ़िया थी पिक्चर, बहुत बढ़िया थी. और आने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन भी था इसमें कि किस तरह मेहनत करके हम आगे सक्सेस हो सकते हैं. तो ऋतिक का एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी और सब कुछ ही अच्छा लगा. ऐसे बहुत गाना तो फोकस नहीं किया लेकिन पिक्चर बहुत अच्छी थी और हॉल में क्लैपिंग भी बहुत हुई. हाँ 5 to 5 ही, क्योंकि बहुत अच्छा जो लिया हुआ था ना कि बच्चों के लिए खास करके, वो बहुत बढ़िया ठीक था. हाँ 5, 5 बहुत बढ़िया सुपर. ऋतिक की एक्टिंग सुपर. मतलब अभी आमिर सर को भी परफेक्शन में बीट किया है. बिल्कुल प्रोफेसर दिख रहे हैं. मतलब मैं आमिर खान की बात कर रहा हूँ, मिस्टर परफेक्शनिस्ट, उनको बीट किया है. मैं ये कहना चाहता था, मैं गलत भूल गया. बहुत कुछ बदलेगी उनका जो एक बीच में एक उन पर कुछ आप लोग देखेंगे फिल्म को, उसमें कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम की सिचुएशन आ जाती है. उस सिचुएशन में भी कहते हैं अगर मुझे कुछ हो गया ना तो ये खबर छापना मत, क्योंकि जो लोग बदलने चाहते हैं ना, लोगों को, समाज को बदलना चाहते हैं, उनकी हिम्मत टूट जाएगी. तो वो मोटिवेशन के लेवल पे तो पूछिए मत. सुपर सारे एक नंबर, लिरिक्स वाइज, म्यूजिक वाइज, सब कुछ एक नंबर. 5 बहुत बढ़िया लगी. उनकी अच्छी बहुत एक्टिंग बहुत अच्छी थी, सब कुछ उनका अच्छा था. मूवी अभी तक हम लोग भी अपने लाइफ में क्या कहते हैं जो समय क्या कहते हैं छोड़ रहे हैं, वो लगता है कि हम लोग को भी क्या कहते हैं पढ़ाई में थोड़ा सा इंटरेस्ट लगा के उसी तरह कुछ करना पड़ेगा ज़्यादा. मुझे लगता है 80% क्योंकि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज को जो अपने बोलना होता है ना, वो प्रॉपर हिंदी लैंग्वेज जो है वहाँ की, उसको लिया है वो प्रॉपर. उन्होंने 80% लिया है. और जो फील था वो मतलब कनेक्ट किया है लोगों ने, बहुत अच्छा लगा ये चीज़. और 5.
बहुत अच्छा लगी मूवी, हमें बहुत अच्छी लगी है। बहुत प्यारी, बहुत बढ़िया। यार 2 मिनट के बाद मैं भूल गया था कि मैं ऋतिक रोशन को देख रहा हूँ, वो आदमी मुझे आनंद कुमार देख रहा है। वो असली में ग्रीक गॉड है सबको पता, लेकिन वो आनंद कुमार देख रहा है 2 मिनट के अंदर। यार बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करेगी, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करेगी। अभी का जो यूथ है और 5 साल पहले का जो यूथ था उसमें बहुत फ़र्क है। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, डायरेक्शन, एडिटिंग, जितने भी लोग हैं, क्योंकि हम लोग क्या फिल्म बैकग्राउंड से रहते हैं तो हम लोग को आइडिया रहता है हर चीज़ का। तो मैं उस हिसाब से बोलूँगा फिल्म हंसाएगी, फिल्म रुलाएगी। अगर ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं तो मतलब आपने झंडा गाड़ दिया हर मामले में। सपोर्टिव थे, गानों का जो काम था वो उन्होंने किया, इमोशनल किया, हंसा हूँ और क्लाइमेक्स में रो के निकला हूँ भाई। यार मैं खुद रिपीट करूँगा एक हफ्ते के अंदर आराम से 4। फिल्म बहुत सुपर लगी। ऋतिक रोशन ने इसमें टीचर का रोल किया है और पर्टिकुलर बिहारी टीचर का, तो उसके भाषा में भी बिहारीपन टपकता है और पूरी तरह सूटेबल रोल किया है। देखिए इंस्पायरिंग है पूरी, मोटिवेटिंग है, और इन्होंने लास्ट में लिखा है कि डेडिकेटेड टू द टीचर्स। जो टीचर्स मतलब सही मायने में टीचर्स हैं और जो अपने देश का भला चाहते हैं, वो बच्चे को उस तरह की शिक्षा देते हैं कि उसका पूरा परिवार ऊपर आ जाए। इसमें 5 पे 5 बनते हैं क्योंकि समझने और सीखने का बहुत कुछ है इसमें। बहुत अच्छी मूवी है। कितनी बांधे रखी है? बांधे रखने की बात है तो एक्चुअली मैं कोई भी मूवीज देखता हूँ तो बहुत इमोशनली टच हो जाता हूँ, और ये तो ऋतिक सर की मूवी है, मेरे फेवरेट, आई एम हिज बिगेस्ट फैन ऋतिक सर का। बट भूल नहीं सकते ऐसी मूवीज जल्दी, क्योंकि जो हार्ट टचिंग मूवीज होती हैं उनको कभी भी ज़्यादातर लोग भूलते नहीं है। जस्टिफाई तो कर पाए क्योंकि मुझे अभी पता है, रिसेंट इंटरव्यूज में देखा था कि उनको, आनंद कुमार सर को कुछ हेल्थ इशू है एंड वो परमानेंट है या नहीं पता नहीं, बट जब उनको ये इसमें मूवी में एक सीन आता है जब ऐसा रोल दिखाया है कि उनको कुछ हो जाते हैं, तब वो देख के ऐसा लगता है कि वो जो पोर्ट्रे किया है वो बहुत अच्छे तरीके से किया है उन्होंने अपना रोल। बहुत अच्छी केमिस्ट्री लग रही। गाने कैसे लगे? बहुत अच्छे, डेफिनेटली बहुत अच्छे। आउट ऑफ 30 out of 30 मूवी बहुत अच्छी है, और आनंद कुमार के करेक्टर को जो ऋतिक रोशन ने अपने आप को कन्वर्ट किया है वो बिल्कुल रियलिटी की तरफ ही है। कहीं ये नहीं लगता कि कोई फिल्म एक्टर आ गए उसको कर रहा है परफॉर्म। आनंद कुमार की लाइफ एक इंस्पायरिंग लाइफ रही है, बिल्कुल। कितना रिलेट कर पाएंगे और क्या क्या सीखने को मिलेगा? एक्चुअली आनंद कुमार के सुपर 30 के अचीवमेंट्स के बारे में तो मीडिया में बहुत कुछ आता है, लेकिन उसकी स्ट्रगल के बारे में अनफॉर्चुनेटली नहीं आया, जो कि इस मूवी ने काफ़ी कुछ दिखाया है, काफ़ी कुछ दिखाया है जो कि मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैं भी अवेयर था सुपर 30 के बारे में। लेकिन ये जो मूवी ने जो इसका बैकग्राउंड का स्ट्रगल दिखाया उससे मेरे को लगता है सोसाइटी में एक अवेयरनेस क्रिएट होगी कि जो लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं लोगों को आगे बढ़ाने में और उसमें, तो वो उसके लिए कितना सहयोग कर सकते हैं। जैसे खाने की प्रॉब्लम थी, अगर 3 महीने के राशन के लिए बच्चों को इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उनको करना पड़ रहा है, तो उसमें 2002 में मुझे लगता है वाकई ये प्रॉब्लम रही होगी। लेकिन आज के दिन में जैसे लोगों को ये पता लगेगा, अभी भी है ओके, तो मेरे को लगता है कि इसको एक नेशनल लेवल पे क्रिएट करके अगर वो चाहें आनंद कुमार कि हम सेंटर्स खोल सकते हैं ऑल इंडिया, क्योंकि 30 नंबर इज़ वेरी लेस, एक ही जगह से 30 से है, बाकी कुछ नहीं है। तो बच्चे तो बहुत हैं जो इंटेलिजेंट हैं और समझदार हैं, तो उनके लिए अगर चयन है तो मैं भी उसके लिए अपने को वॉलंटियर करने को तैयार हूँ। ऋतिक का डायलॉग ये था, अब हम छलांग लगाने के लिए तैयार हैं, और आई हैव टेकन दैट डायलॉग इन रियल स्पिरिट, आई एम रेडी टू टेक ए प्लंज इन टू दिस एक्टिविटी। मुन्ना ठाकुर की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, उसका रोल एक अच्छा था जो उसने दिया, उसको सपोर्टिव। और गाने कैसे लगे आपको? गाने अच्छे थे, स्पेशली जो होली पे उन्होंने बच्चों ने परफॉर्म किया, दैट वाज रियली, कहते हैं इम्प्रॉम्प्टू डांस और वो सब उन्होंने क्रिएट किया। तो क्या वापस आने का विचार है फैमिली के साथ? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखी जा सकती है दोबारा। ऑटो पे कितना चार्ज देना चाहेंगे? मैं कम से कम 4।